मशहूर कवि कुमार विश्वास को ईमेल के जरिए धमकी मिली, जिसमें कहा गया कि जान से मार देंगे, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम लोकेश शुक्ला बताया जा रहा है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह कुमार विश्वास को पहले भी कई बार ईमेल भेज चुका था, जिसमें उसने खुद की लिखी कविताएं भेजी थी, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। इसी बीच आरोपी ने कुमार विश्वास के कुछ बयान सुने, जिसमें कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की थी। इसी बात से गुस्से में आरोपी ने कुमार विश्वास को जान से मारने की धमकी दी थी और अमर्यादित टिप्पणी भी की। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अरविंद केजरीवाल को बहुत पसंद करता है और उनकी पार्टी के खिलाफ किसी भी तरह की कोई बात नहीं सुन सकता। इसके अलावा आरोपी ने भगवान श्री राम पर भी अमर्यादित टिप्पणी की थी। इसकी वजह यह है कि कुमार विश्वास भगवान श्री राम की भक्ति करते हैं, लेकिन आरोपी को यह बात पसंद नहीं आई और उसने आवेश में आकर धमकी भरा ईमेल कुमार विश्वास को भेज दिया था। आइए सुनते हैं कि गाजियाबाद के एसपी सिटी द्वितीय ज्ञानेंद्र सिंह का क्या कहना है। सर, एक आरोपी को पकड़ा है आप लोगों ने, क्या है पूरा मामला? धमकी भी दी है कुछ उन लोगों को। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत आज इंदिरापुरम पुलिस टीम और पुलिस अधीक्षक नगर दूती की टीम के द्वारा क्षेत्राधिकारी इंदिरापुरम के पर्यवेक्षण में लोकेश शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास पर अमर्यादित टिप्पणी की थी और उनको धमकी भरे मेल किए थे, तथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के विरुद्ध भी इनके द्वारा तरह तरह की टिप्पणी, अमर्यादित टिप्पणी की गई थी। इसके संबंध में उचित धाराओं में इंदिरापुरम पर अभियोग पंजीकृत करके और इनके जो मेल आए थे उसके माध्यम से, सर्विलांस के माध्यम से इनको ट्रेस किया गया था, इनको पकड़ के लाया गया। जब पूछताछ की गई तो इन्होंने ये सारी घटना करना स्वीकार किया गया है और इनको उचित धाराओं में इनको न्यायालय से रिमांड स्वीकृत कराई जा रही है। सर, क्या वजह रही है कि इन्होंने इनको कुमार विश्वास को धमकी दी है? ये आम आदमी पार्टी के, आम आदमी पार्टी से प्रभावित थे और उनकी नीतियों से प्रभावित थे। जब प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास जी के द्वारा जब आम आदमी पार्टी के बारे में कमेंट किया जाता था तो वो इनको अच्छी बात नहीं लगती थी, इस वजह से इन्होंने ऐसा कमेंट कुमार विश्वास जी के विरुद्ध किया। और जब भगवान राम के प्रति भी कुमार विश्वास जी के द्वारा उनका महिमा मंडन किया जाता था तो वो भी बात इनको बुरी लगती थी। ये सारी चीज़ों से प्रभावित होकर के इन्होंने ऐसा कमेंट किया था। तो पहले भी कई बार इन्होंने मेल करार भी किया इसको, सर, कुमार विश्वास को, तो उसमें क्या लिख कर देना है सर? मेल में अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया गया और धमकाया भी गया कि आपके द्वारा ये किया जा रहा है और हम आपको जान से मार देंगे, इस तरह से के मेल किए गए इनके द्वारा। तो सर, कहीं ना कहीं राजनीतिक मामला लग रहा है? नहीं, राजनीतिक नहीं है ये, चूंकि भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं किसी न किसी से, और जब भी जुड़ने के बाद अगर उन पर जिससे जुड़े हुए हैं अरविंद केजरीवाल जी से, जैसा अभी आप लोगों ने देखा उनसे जुड़े हुए हैं, जब कुमार विश्वास जी के द्वारा उनके प्रति कोई टिप्पणी की जाती है तो वो इनको हर्ट करती थी, जिसके वजह से ये उससे प्रतिक्रिया में ये सब करते थे। सर, घटना बताई इन्होंने कि क्या टिप्पणी ऐसी कुमार विश्वास ने की थी जिससे आहत हुए थे? नहीं, टिप्पणी नहीं, ये जरूर इन्होंने बताया कि इन्होंने तमाम कविताएँ कुमार विश्वास जी को भेजी थी, जिसमें उनके द्वारा ये बोला गया था कि हम पूरे इंडिया लेवल से कवि को बुलाएंगे जो जिनकी भी कविताएँ हमें पसंद आएंगी। ये घटना ये भी थी जो इनको बुलाया नहीं गया उनके द्वारा, और इसकी वजह से भी ये आहत थे।